बाजीगर से बड़ी फ्रॉड मूवी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। आज से कई साल पहले जब सफेद मुस्टे पैंटे पहन के काले कांड करने वाले भाई अब्बास मस्तान का इस धरती पे जन्म हुआ, तब उन्होंने एक दूसरे की ठुड्डी पे कोनी रख के ये कसम खाई कि आज के बाद जो भी मूवी बनाएंगे उसमें हॉलीवुड का कंपलसरी तड़का लगाएंगे, उसको लेके पीस देने का, उसके ऊपर सरसों का तेल, नमक डालने का। एंड आफ्टर रोमिंग द स्ट्रीट्स ऑफ चूल्हा भट्टी फॉर 5 आवर्स, द दिल्ली जो अब्बास मस्तान की हत्या लगी है किस बिफोर डाइंग की डीवीडी, उन्होंने उसी डीवीडी का पोस्टर फाड़ा और उस पर शाहरुख खान का पोस्टर लगा डाला और अपनी लाइफ को कर दिया झिंगा लाला। दस केम बासीगर इनटू एग्जिस्टेंस। मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट अजय शर्मा और पप्पू कानिया, इस शर्मा परिवार की आंखों का तारा, सबसे दुलारा और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियों का अकेला सहारा, भैणी की तुतन के बंगले में संडास नहीं जितनी उन्होंने कंपनियां खोल रखी हैं, शर्मा टेक्सटाइल्स, शर्मा एक्सपोर्ट्स, शर्मा शुगर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शर्मा फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें का ई लोग चाशनी समझ के अपनी कंपनी शर्मा शुगर के साथ गोल के निकल गए। भैणी की बगलों में इतना ठसा ठस पैसा भर रखा है, कम से कम गूगल पे फार्मास्यूटिकल्स की स्पेलिंग चेक कर लेते। अभी पप्पू कानिया का बाप अपनी बीवी मिसेस शर्मा की चोली होली के पावन महोत्सव पे अपनी पिचकारी से भिगोने वाला होता है, क्योंकि सुखद लाइफ में मदन चोपड़ा इनके बहन के पकौड़े लगाने आ जाता है। अभी 3 साल पहले ये पाखंडी इंसान इनकी कंपनी में 5 लाख का घपला कर चुका है। बहन की ये पप्पू कानिया के बाप ने अपने हाथों से इसे हथकड़ियों की चूड़िया पहना के सलाखों के पीछे 3 साल तक मुजरा करवाया, पर मदन चोपड़ा के आई सपन में ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा मेरे बच्चों की कसम ऐसी झूठी कसम खाने पे इसे ना ही कंपनी में वापस रख मारा बल्कि डबल प्रमोशन और डबल बोनस अलग से दे डाला। आज से तुम इस कंपनी में 5% के पार्टनर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी सारी कंपनियों की पावर ऑफ अटॉर्नी मदन चोपड़ा को अपने छातों से फूलों के गुलदस्ते की तरह सौंपने के बाद सीनियर शर्मा दार्जिलिंग की सर्द वादियों में चाय की चुस्की लेने के लिए रवाना हो जाता है। अभी ये दार्जिलिंग के माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट के मूड़े पे बैठ के वाह ताज बोलने वाला होता है कि मदन चोपड़ा इसको इसी के मूड़े से उठा के जाकिर हुसैन की तरह इसका तबला बजा डालता है। सीनियर शर्मा से दुख बर्दाश्त नहीं होता, वो बारिश में चक दुम दुम करने चले जाता है और बंबई की बारिश में उसका खुद का ही चक दुम दुम हो जाता है। इसके बाद पूरी मूवी में इसका बेटा अजय शर्मा की हत्या, बंदा हो या बंदी जो लगता है ये पप्पू कानिया उनका गेम बजा डालता है। अब पहले मदन चोपड़ा की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा मारता है, फिर उसी की नाना नानी पार्क में चुमिया लेने के बाद उसी को बोलता है किताबें तो बहुत ही पढ़ी होंगी तुमने लेकिन कभी 21वें माले से गिरने के बाद अपने दिमाग का भेजा भरा बंदे देखा है। ऐसा बोलने के बाद पप्पू कानिया मदन चोपड़ा की बड़ी बेटी सीमा का बटन की मामला डालता है। उसके बाद जो इंसान पशु पक्षी इसको संडास में लेंस बदलते देखता है उन्हीं की आंखों की गोटियां निकाल के सूटकेस में बंद करके उन्हीं का मोतिया बिंद करा डालता है। कभी सीमा के बेस्ट फ्रेंड के पत्ते भी छा रहा है, कभी सीमा के फोटोग्राफर दोस्त के फोटो खींचने के बाद उसको फ्रेम करवा के खुद ही उस पे गेंदे के फूलों की माला चढ़ा डालता है। अबे बदला लेना तो तुम्हें चोपड़े से, तो आधे ज्यादा गुप्ता त्यागी वर्मा के परिवार को जन्नत की ट्रेन में सवार कर मारा। पूरी मूवी में पावर ऑफ अटॉर्नी पे कभी शर्मा तो कभी चोपड़ा इसके फेर बदल का चुतिया पर चलता रहता है। भेड़ की इतनी जल्दी तो शोएब मलिक अपनी बीवियां नहीं बदलता जितनी जल्दी ग्रुप ऑफ कंपनी नाम के बैनर पे शर्मा और चोपड़ा का नाम बदलता रहता है। वो बैनर के पेंट करने वाले पेंटर ने भी मूवी के अंत तक हाथ जोड़ लिए, वो भी सामने से बोलता है कि भेड़ की एक बार में बता दो कि शर्मा लिखो के चोपड़ा भेड़ की दिमाग का कर दिया भोपड़ा। मूवी के एंड में पप्पू कानिया बाप का बदला ले डालता है और 50 गुंडों और चोपड़ा के साथ हाथापाई करने के बाद एक ही जंगले में चोपड़ा समेत अपना ही चिकन स्क्यूअर बना डालता है। एंड बिकॉज पप्पू कानिया की चोपड़ा की छोटी बेटी प्रिया के साथ ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो पप्पू कानिया के पत्ते बिछने के बाद टेक्निकली सिंस प्रिया इज पप्पू कानिया वाइफ, वाइज पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसने धरती पे मौजूद आधे ज्यादा लोगों के गेम बजाने के बाद हासिल की थी उसके मरने के बाद वापस से चोपड़े की छोटी बेटी प्रिया चोपड़े की हो जाती है। और पप्पू कानिया की माँ जिसका 20 साल पहले पति के पकौड़े लगने पे गले का टेटुआ दब गया था, जो अपने बेटे की चालबाजी से खुश होने के बाद बड़बोलनी बिल्ली की तरह अपने बैग पैक करके पनवेल से अपने ओरिजिनल बंगले पे रवाना होने वाली थी, उसको ये पता चलता है कि वापस से वो कंपनी चोपड़े के नाम पे हो चुकी है। पप्पू बेटे पप्पू कानिया को वापस से जिंदा करने के बाद दोबारा उसी को सूटकेस में पैक करके होनालुलु को रवाना कर डालती है।